हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत होंगे। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा यूट्यूब चैनल पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज की वीडियो का सीन कुछ ऐसे है कि आज मैं फ्री था, फ्राइडे का दिन था, तो जिमी मेरी ऑफ है, तो मैंने सोचा क्यों ना कोई काम कर लिया जाए। और मैं अपनी गाड़ी है मेरी, तो उसको ना क्रोम को लग गया जंग, तो मैंने सोचा कि क्यों ना फ्री बैठे तो उसके जंग को उतार लिया जाए। तो अब मैं जा रहा हूँ गाड़ी के पास, तो उसका पहले आपको जंग दिखाऊंगा, फिर उसको कैसे साफ़ करते हैं वो आपको बताऊंगा। तो जुड़िए रहिएगा, वीडियो देख के आपको पता लगेगा, ताकि आप भी अपनी गाड़ी को स्पाइक से जंग उतार सकें उसका। जाएगा आप बाहर जा के पैसे दें, आप घर में बैठ के अपनी गाड़ी को खुद साफ़ कर सकते हैं। और मिलते हैं अगले क्लिप में। पहले आपको मैं जंग की कंडीशन दिखा दूँ कि कैसे जंग लगा हुआ है, और जब साफ़ होगा तो आपको वाजे नज़र आएगा कि साफ हुआ भी है कि नहीं। फोग होती है, फोग में नमी होती है, नमी की वजह से ना क्रोम को जंग लग जाता है, तो जिसकी वजह से इसको फिर अगर आपने गाड़ियाँ रखी हैं तो उसकी केयर भी करनी पड़ती है, तो उसके लिए फिर आपको काम करना पड़ेगा। उसके लिए एक मेरे पास कंपाउंड है जो है मेगा कंपाउंड, इससे आपकी जो गाड़ी का जो जंग है ना वो उतर जाता है। और साथ ही साथ ना मैं आपको दिखाऊंगा कि जंग कैसे उतरता है और कैसे उतारना होता है कपड़ा, कपड़े के साथ उसको गीला करना होता है, फिर उस ये कंपाउंड थोड़ा थोड़ा लगाना होता है। पहले हमने जो जंग वाली जगह है वो थोड़ी सी पानी से गीली कर लेनी है, ताकि कपड़ा आराम से उसके ऊपर रब कर सके। और फिर ये कपड़ा लेना है आपने, और थोड़ी सी आपने इसके अंदर लगानी है, थोड़ी थोड़ी करके नॉर्मल सी, और फिर आपने इसको प्रेस से रब करना है। ये आपके सामने नज़र आ रहा होगा कि ये जंग उतना शुरू हो गया। अगर आपके पास कपड़ा से सही तरह आपको नहीं लग रहा हो, मुश्किल हो रही, तो आपके पास अगर ब्रश है ऑप्शन तो ब्रश से भी आप कर सकते हैं। ब्रश से ये होगा कि आपको कोने कोने से भी ना जंग उतर जाएगा आराम से। अगर आप देखा जाए तो अगर आप ये चीज़ें बाहर से करवाते हैं वो बहुत चार्जेस लेते हैं, बजाय कि हमने इतने पैसे खर्चने हैं। तो ये एक मेगा कंपाउंड की एक डब्बी मिलती है, तो आप परचेस करें, किसी भी दुकान से मिल जाती है। कंपाउंड पॉलिश वाली दुकान जो होती है ना, शॉप्स होती हैं, वहाँ से ये अवेलेबल है। आप इजीली अपने घर में अगर फ्री टाइम है तो ये आप काम आराम से कर सकते हैं। आपने अच्छी तरह इसको ब्रश मारना है, ताकि जो इसके अंदर तक जो जंग लगा हुआ है ना वो आराम से इजीली क्लियर हो जाए। काम थोड़ा मेहनत वाला है, लेकिन अगर आप फ्री हैं तो ये लाजमी कर लें, बजाय कि आपने पैसे दे के काम करवाना है। रिजल्ट इसका बहुत अच्छा है, मैं आपको दिखाता हूँ जब ये साफ़ होगा। अब बारी आती है इसके आफ्टर मार्केट जो एग्जॉस्ट लगा हुआ है उसकी, तो उसका जंग भी आपके सामने है, कैसे भरा पड़ा है जंग सारा। बैक पे जहाँ जहाँ क्रोम लगा हुआ था वहाँ से आपके सामने रिजल्ट देख लें, क्रोम कैसे क्लियर हो गया, नीट एंड क्लीन, और कोई स्क्रैच नहीं आया इसके ऊपर। और काफ़ी जंग लगा हुआ था, और जिसकी वजह से मैंने थोड़ी सी मेहनत की है और रिज़ल्ट आपके सामने है। ये जो एग्जॉस्ट लगा हुआ था आफ्टर मार्केट वो भी आपके सामने है, बस थोड़ी सी मेहनत है और रिज़ल्ट आपके सामने है। अभी ये आगे की भी जो क्रोम लगा हुआ है उसको भी सफाई करनी है, तो मैं वो दिखाता हूँ आपको। फ्रंट पे भी क्रोम है, लेकिन इस पे ऊपर इतना जंग नहीं लगा, लेकिन आपको शायद नज़र आ रहा हो लगा तो हुआ है थोड़ा सा, तो ये आराम से इजली क्लियर हो जाएगा। और फ्रंट से भी काम हो गया, और जंग देख लें आपके सामने बिल्कुल क्लियर है, और दोनों साइड से हो गया क्लियर।
और गाड़ी का जो क्रोम जहाँ भी है वो आराम से क्लियर हो जाता है, तो गाड़ी की नई लुक निकल आती है क्रोम की वजह से। हालांकि ये ओरिजिनल लगे हुए हैं लेकिन आफ्टर मार्केट परचेज करती है कंपनी, तो जिसकी वजह से इसको जंग लग जाता है। तो लेकिन हमारा काम है अगर गाड़ी रखी है तो आप इसकी केयर भी करें, तो मैं अपनी गाड़ी की केयर भी करता हूँ। अगर आपकी गाड़ी पे स्क्रैचेस भी हैं तो ये कंपाउंड जो उन स्क्रैचेस को भी ख़त्म कर देता है। ये हल्के ये तो रंग लग उतरा हो, अगर ये इसको साइड पे जो लगे हुए जैसे ये है क्लियर कर देता है आपके ये कंपाउंड करने से ना आराम से। जहाँ पे पेंट उतरा है वो तो आपको कलम लगवानी पड़ेगी, लेकिन जो भी हल्के हल्के स्क्रैचेज हैं आपके सामने नज़र आया था आपको, वो जब मैं इसको साफ करूंगा ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। आपके सामने देख लें रिजल्ट, जहाँ स्क्रैचेस थे वो क्लियर हो गए हैं, लेकिन ये जो है ये पेंट उतरा हुआ है तो इसके ऊपर कलम लग जाएगी। कंपाउंड हर चीज़ के लिए काम आ जाता है, गाड़ी के स्क्रैचेस के लिए भी काम आ जाता है। मैंने आपको दिखाया जंग कैसे उतारते हैं, तो मुझे इजी लगा बुरश से उतारना। अगर आपको इजी लगता है कपड़े से उतारना या बुरश से उतारना है तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जंग क्लियर हो गया है, साफ़ हो गया है। तो ये जंग इसलिए लगता है क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो नमी होती है और उसमें तो उसके से क्रोम ना जंग पकड़ लेता है। तो मैंने तो जंग क्लियर कर लिया, बजाय कि आप पैसे खर्च के बाहर से जंग कर क्लियर करवाएं, तो एक मेगा कंपाउंड की एक डब्बी मिलती है, किसी भी पॉलिश शॉप से आप ले सकते हैं। तो आप अपने घर बैठे फ्री टाइम में आप अपनी गाड़ी को जंग से पाक कर सकते हैं। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दुआओं में अपने इस भाई को याद रखिएगा। अल्लाह आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफिज़।